तो हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। हमारे अमृता सहनी ब्लॉग में स्वागत है सभी लोगों को, और फेसबुक से अमृता सहनी में। दोस्तों, हमारा ये दोनों ही ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैं दोनों चैनल में डालती हूँ, एक ही वीडियो बनाती हूँ, दोनों चैनल में डालती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कई बार जो कि बता चुके हैं और फिर भी बोल रहे हैं, हम जो नहीं समझ रहा हम उसके लिए बोल रहे हैं, और जो समझ जाएगा तो उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो नहीं समझ रहा उसके लिए हम बोल रहे हैं बात फिर से दोबारा, और उसके लिए सॉरी, आप लोग माफ़ करना जो कि मैं दोबारा फिर से अपनी बात रख रही हूँ। तो जो भी गलती होगी आप लोग माफ़ करना, और वीडियो जरूर देखना पूरा, अभी आप लोग समझ में आएगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं मजबूरी में बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बात बार बार टॉर्चर करूँ और बार बार बोलूँ, लेकिन लोग मुझे बुलवाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता लोग क्या चाहते हैं मेरे से और कहना क्या चाहते हैं। अपना खाती हूँ, अपना आदमी का कमाई खाती हूँ, जो भी है अपना ही करते हैं, और वीडियो बनाती हूँ तो मेरा शरीर का लोग देखते हैं, मुझे देखते हैं, और मैं अपना शरीर चाहे बेच रही हूँ या चाहे जो भी कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, वो मेरा है, उसमें तो किसी का हक नहीं है, ना ही तो किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती है, ना तो मुझे कोई खरीद रखा है, ना तो कोई खरीदेगा मेरे शरीर का। किसी की कीमत, किसी के शरीर का कोई कीमत है ही नहीं, ये तो अनमोल है। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरा पैर इतना खींचना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और आगे तक मैं जाऊँ। तो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्यों परेशानी होती है, क्यों ऐसा लोग सोचते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं तो किसी के बारे में बुराई सोचती नहीं हूँ, ना ही तो मैं किसी के लिए सोचती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे से क्या मतलब है, कौन क्या बोल रहा है, मेरे से क्या मतलब है। मैं वीडियो बनाए तो अपनी डायरी में रख के ही तो बना रही हूँ, अपने संस्कार में रह के बना रही हूँ। मान लो कि मैं जो भी कर रही हूँ तो अगर कोई कह रहा है तो क्या मुझे ला के दे देगा, नहीं देगा ना। जो कह रहे हो वो अल्लाह के मुझे दो, पूजा करो मेरा, मैं नहीं करूँगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो और अच्छी बात है, वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगता है, मेहनत लगता है, बना के देखो तब समझ में आएगा, अकल सकल दोनों होना चाहिए तब वीडियो बनेगी। तो ये सब किसके लिए है, मिडिल क्लास के लोग जो है ना वही सोचते हैं। आज के ज़माने में ऐसा जनरेशन जो चल गया है, कौन नहीं वीडियो बना रहा, जो बहुत अच्छे अच्छे घर से लोग हैं ना, घर में रहते हैं बहू है वो भी वीडियो बना रही है। तो दोस्तों, ये हमारी बातें ऐसी है जो कि मैं नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि मैं बोलूं, बोलना पड़ा है। मैं तो खुद ही अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ, हमारी बेटी का तबीयत ख़राब है, मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ, नहीं पूरे दिन में नहीं बनाई थी वीडियो, मैं सोची कि बना दूँ, आप लोगों को वीडियो डालना भी ज़रूरी है, देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, जो भी हमसे गलती होगी हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और क्षमा मांगते हैं कि प्लीज़ आप लोग क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, ताकि मेरे वीडियो में, नहीं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में कोई ऐसा कमी हो जो कि आप लोगों को अच्छा ना लगे, बुरा लगे, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा जाए, आप लोग मेरे वीडियो से खुश हो जाइए और मेरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मैं तो बस पूरा दुनिया को छोड़ चुकी हूँ, बस उनका हाथ है और मेरे महादेव का साथ है। ये लोग हैं तो हमारी दुनिया है नहीं, और जो भी है मैं आगे जाती हूँ, मेरा मन क्या कहता है क्या नहीं, तो उसमें हमारे भगवान का ही साथ होता है। जो चीज़ की मैं मना कर देती हूँ ना कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, मेरे से नहीं होगा, वो चीज़ भी लगता है कोई कह रहा है कि हाँ हो जाएगा। दोस्तों, ये सब हमारे हर महादेव की कृपा है, और हमारे हारे के सहारे जो बैठे हैं हमें बहुत रक्षा करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका ही देख रेख से मैं यहाँ हूँ। मैं तो, मेरा पता नहीं कि मैं कहाँ होती कैसे होती, अब तक मैं दुनिया में हुई नहीं, होती नहीं। तो दोस्तों, जो लोग ये बात कहते हैं और बोलते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि हम आप लोगों के घर खाना मांगने नहीं जाते हैं, खाली लेकर भीख दे दो, ऐसा नहीं करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ आप लोग मत करो ऐसा, मेरा पैर मत खींचो पीछे में, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ज़्यादा जलन है तो क्या ही बोलूँ, समझ सकते हो आप लोग मैं क्या पूछ रहा हूँ।
इसीलिए आप लोग ऐसा कुछ मत बोलो कि मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं जो आप लोगों को पसंद ना हो। और आप लोगों को लगता होगा जो बोलते हैं उसके लिए बोल रहे हैं, जिनका सोच है मेरे प्रति उल्टा कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसी हूँ, तो जो आप लोग सोच रहे हो, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, घर में नहीं हूँ, मैं किसी का सुनूंगी, और ये हमारे परिवार से नहीं है, फैमिली से नहीं है, ये हमारे फैमिली से हटके है। जो लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं उनके लिए है कि तुम खुद को सुधार लो, खुद को सुधार कर अपने आप में झांक के देखो। जिस दिन अपने आप में झांक के देखोगे, खुद को सुधार लो, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, इतना दिन से नहीं समझ में, अब समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज़ हूँ, समझो। तो इसीलिए उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी ऐसे बेइज्जती ना करें, जैसे हैं हम वैसे जीने दीजिए हमें, हम खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, आप लोग भी ऐसी रहिए। ठीक है, इतना ही वीडियो के लिए मैं एंड करती हूँ, इतना ही वीडियो पे, क्योंकि ज़्यादातर लंबा वीडियो नहीं कर सकती हूँ। सभी लोगों को बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम।